बिलीव्स, ड्रीम्स और डिजायर्स वो क्या करते हैं, कोई उन्हें कैसे डिस्कवर करता है। पर्सनली मेरा मानना है कि कोई भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करके या अंदर से आगे बढ़कर जो कुछ भी चाहता है वो हासिल कर सकता है। अंदर से आगे बढ़ने का मतलब है कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अपने पैशन को फॉलो करना। जो लोग अंदर से आगे बढ़ते हैं वो लोग खुद को आजाद और फ्री समझते हैं, जो उनके जीवन में मैसिव पॉजिटिविटी और सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। भले ही उन्हें अपनी सक्सेस जर्नी में बाधाओं यानी कि हर्डल्स का सामना करना पड़े, लेकिन अंदर से आगे बढ़ने की उनकी क्षमता उन्हें हर ऑब्स्टेकल को दूर करने और आगे बढ़ने का इनकरेजमेंट देती है। अंदर से आगे बढ़ने के लिए कई कॉम्पोनेंट्स काम करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक आइडियल लाइफ जीने का मतलब हर किसी के लिए कुछ अलग होता है। हम में से कुछ अमीर, पावरफुल और पॉपुलर बनना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग एक सरल शांत जीवन पसंद करेंगे। आपकी आइडियल लाइफ कैसी भी हो, इसे बनाने का एक ही तरीका है। अगर आप अपने जीवन से नाखुश हैं तो डेफिनेटली आपको एक्टिव चेंजेस लाने की जरूरत है, और इसका मतलब है इंस्पायर्ड एक्शन लेना। आपकी लाइफ ऐसे ही अचानक से या किस्मत से नहीं बदलेगी, ये आपके और केवल आपके द्वारा अप्लाई किए गए कॉन्शियस एफर्ट से ही बदलेगी। सेल्फ अवेकिंग के पाथ पर कोई तुरंत ही अचीवमेंट हासिल नहीं कर लेता, लेकिन अपने आइडियल लाइफ को जगाने के लिए कई बुनियादी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सब ना ही आपके विजुलाइजेशन का अहम हिस्सा बनेंगे बल्कि आपकी बातों को भी यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे। जब तक हम खुद को नहीं खोते हैं तब तक हम खुद को नहीं समझ पाते हैं। ये कोट हमारी लाइफ में बहुत अहमियत रखता है। अब ध्यान से सुनिए, आज आप अगर किसी से उसके ड्रीम के बारे में पूछते हैं या उससे पूछते हैं कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो उसे असल में पता ही नहीं होता है कि वो आगे क्या करना चाहता है, वो लाइफ में क्या पाना चाहता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम जो ड्रीम्स सोचते हैं, हम चाहते हैं कि रियलिटी में बस कोई चमत्कार हो जाए और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, या पर ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ चाहना रियलिटी में एक्सपीरियंस करने से ज्यादा एंजॉयबल होता है। सच में बता रहा हूं, आपकी फैंटेसी अक्सर आपके रियलिटी को रौंद देती है, क्योंकि शायद ऐसी फैंटेसीज देखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस सोचना ही तो है। आमतौर पर ऐसी कल्पनाओं का सिर के अंदर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर वो बाहर आ गई तो हमारी दुनिया और सोसाइटी की हार्श रियलिटी झेल नहीं सकती। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा है तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है, यानी हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन अगर ठीक से कंट्रोल किया जाए तो यही फैंटेसीज हमारे विशेष को मैनिफेस्ट करने में एक आसान रास्ता प्रोवाइड करती हैं। कुछ भी वर्थवाइल रातों रात नहीं बनता है, रातों रात सफलता एक मिथ है। लेकिन एक चीज जो तुरंत बदल सकती है वो है आपका एटीट्यूड। आपको केवल बस एक मूवमेंट चाहिए सोचने का, खुद से वादा करने का जो आपकी लाइफ बदल देगा, और यदि आप उस वादे को अपने आप में रखते हैं तो यही वो मूवमेंट हो सकता है जब आपकी लाइफ में मैसिव चेंजेस आएंगे। लाइफ एक रिस्क है, अपने ड्रीम्स के पीछे जाने के लिए एक सेफ एंड सिक्योर 9 to 5 PM जॉब को ठुकरा देना एक रिस्क है। रिस्क और कुछ नहीं, फेलियर है, शर्मिंदगी है, लेकिन शायद एक बड़ा रिस्क उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो आपको आपकी विशेष से, आपकी डिजायर से, आपके ड्रीम से दूर ले जाता है। जब आप इजी पाथ या ऑप्शन चुनते हैं जो आपकी क्षमता से बहुत कम या आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कम है, या फिर जो आपने अपने लिए ड्रीम्स देखे हैं, तो आपको बता दूं कि रिग्रेट यानी कि पछतावा लगभग गारंटीड है। मुझे लगता है कि ये बहुत क्लियर है कि इस धरती पर हर बड़ी सफलता की कहानी एक ग्रेटर रिस्क लेने वाले की थी। ग्रेटर रिवॉर्ड केवल ग्रेटर रिस्क के बाद ही आ सकते हैं। बहुत से लोग अपने सिचुएशंस के बारे में कंप्लेन करते हैं, और वो भी तब जब उनके पास इसे बदलने की शक्ति होती है। चेंजेस इजीली होने वाला है या नहीं, इसके जवाब में मैं बस यही कहूंगा, यदि आपके पास खुद को बदलने की शक्ति है और आप बदलना चाहते हैं तो हाँ, चेंजेस बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। शायद
ह्यूमन स्पिरिट का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन तब होगा जब हम अपने स्वयं के इंट्यूशंस के अगेंस्ट जाते हैं। इससे भी बदतर यह है कि जब हम अपने कॉन्शियसनेस के खिलाफ जाते हैं और ऐसी सिचुएशंस में खुद की गलती ना मानकर बस दूसरों को कोसते रहते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। देखिए, अगर आप बदलना चाहते हैं तो डू इट नाउ। आप जहां हैं उसके लिए जिम्मेदारी लें और विश्वास करें कि आपके पास सीखने की क्षमता है और आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए सफिशिएंटली खुद को डेवलप कर सकते हैं। और जब बात आती है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, तो हम सभी के पास दो ऑप्शंस हैं। हम खुद को चेंज करना चूज कर सकते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़कर बिलीव कर सकते हैं कि हम अपनी प्रेजेंट रियलिटी को बदल सकते हैं, या हम सिचुएशंस की मर्सी पर जी सकते हैं ये मानते हुए कि हम केवल वास्तविकता का जवाब दे सकते हैं। मैं आपको किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को खोजने की चुनौती देता हूं जिसने लाइफ को अपनी रियलिटी डिफाइन करने की परमिशंस दी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने अपनी परिस्थितियों को जिंदगी चलाने नहीं दी, उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था और उसका रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हैं कि वो आज सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल लोग, अचीवर्स, हर पल को अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपने हर एक काम में एक बेहतर मूवमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेंटालिटी ही सब कुछ है। क्या आप अपनी खुद की रियलिटी बनाते हैं, या क्या आप लाइफ या सिचुएशंस का इंतजार करते हैं कि आपको ये बताए कि आपका दिन किस तरह का होगा? अपनी साइट का प्रयोग सभी करते हैं, लेकिन अपनी विजन का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। हम अपने लाइफ में क्रिएटर हैं और हमारी इमेजिनेशन ही वो फैब्रिक है जिससे हमारी सभी विशेष एंड डिजायर्स पूरी होती हैं। इमेजिनेशन हमें उन रियलिटीज तक लेकर जाती है जिन्हें कभी खोजा नहीं जा सकता था। 2 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि हम हाइपर लूप में यात्रा करेंगे या वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल हुआ तो सिर्फ किसी की इमेजिनेशन के कारण। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए हमारे पैर जमीन पर होने चाहिए, लेकिन हमें कभी भी अपने सपनों को सीमित नहीं करना चाहिए। पूरे हिस्ट्री में लोगों ने अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करके अमेजिंग चीजें बनाई हैं, और आपको तो अपने खुद के लिए काम करना है। यदि आप किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप इसे अचीव भी कर सकते हैं। यदि आप कोई ड्रीम देख सकते हैं तो आप वैसा बन भी सकते हैं। हमारे हार्ट की कोई लिमिट नहीं है, और ये वो मन है जिसे हमें जीतना है। हमारा माइंड लिमिट्स और फियर पैदा कर सकता है। हमारा काम अपने दिमाग को वश में करता है ताकि हम उसका पॉजिटिवली उपयोग कर सकें। ये हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज में विश्वास दिलाकर हमें अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस का अनुभव करा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसका कब और कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।